कैसे एंटर होना, तो पूरा उनको समझ गई थी उसी वक्त। जी जी मैं आवाज आ रही फैसल भाई? जी जी आवाज आ रही है। क्या है पता है आपको? वो फरारी अलमारी के अंदर रखी है छुपा के। जी वो 8.5 करोड़ रुपए की फरारी किधर है? फरारी के सेल मिल गया फिर सेल। हाँ फरारी, फरारी जो है वो अभी अगली किस्त आएगी ना 15 करोड़ की, फिर उसके सेल लूंगा मैं। रीना जी भेजेंगे उनको, रीना जी भेजेंगे उनको। देखें ये बात पहले दिन जब वो आई 8.5 करोड़ की फरारी तो खाली फियाज भाई का बच्चा खेलता है घर में, तो चलाने वाली गाड़ी तो पता नहीं कितने की आएगी रोड पे, ये तो खाली बच्चे के खेलने की गाड़ी है। अच्छा आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। अच्छा फैसल भाई बात सुने, ये जिस बंदे ने दावा किया है ना 8.5 करोड़ रुपए की, जिसने इल्जाम लगाया कि हमने डिमांड की है, उसकी कुल कीमत जो है वो 3.5 रुपए है। और उसने वो बिल्डिंग का वॉचमैन है। देखो कुल कीमत उसकी 3.5 रुपए से ज्यादा नहीं है, और उसने दावा देखें कितना बड़ा 8.5 करोड़ का कर दिया, ठीक है। और वो जो देने वाली है, ठीक है, वो कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाई कि वो अभी तक ये नहीं जस्टिफाई कर पाई कि वो जर्मनी में रहती है या पाकिस्तान में रहती है, अगर जर्मनी पहुंची है तो किस तरह से पहुंची है। बेसिकली जिस तरह से उस औरत ने बताया, उसका पूरे का पूरा उसकी स्टोरी फ्रॉड पे बेस है। जिस तरह से वो देखें 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जिस तरह से वो फ्रॉड करके पहुंची है जर्मनी में, उस तरह का शख्स डंकी लगा के वहां पे पहुंची और बाद में वो दूसरों को क्या नाम है मदद कर रही है। आप ये देखें खुद मियां फसीहत और दूसरों को नसीहत, ठीक है। अपने अपने पले 1 रुपया भी नहीं है, अपनी कुल उपज इतनी नहीं है कि सही पैसों से यूरोप पहुंच सके। और वो अभी बोल रही है मैं 31 लाख के पाकिस्तानी से कनेक्ट जो घर खरीद कर दे रही है। लेकिन बात ये है कि हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते थे, हमारा मकसद सिर्फ है। उसके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, इंडियन पासपोर्ट भी नहीं है सर भाई। वो किसी से कोई ऐसा मामला है ही नहीं, ना किसी से कोई जाती, हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। लेकिन हमने मजबूर होकर बड़े तरीके से मैंने लोगों के ऊपर ये डिसीजन छोड़ा था। और वो जो 2-2.5 रुपए का बंदा है ना, वो अगले दिन उसकी आप हैरत देखें, मैं तो हैरान हूं कि ये पता नहीं किस तरह से बात कर लेता है। अगले दिन मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि अगर आप वो थंबनेल हटा दें तो मैं आपकी लाइव स्ट्रीम खत्म कर दूंगा, ठीक है। अंदाजा करो, ठीक है। कहते हैं वो जो माफी चाचा है ना, वो जो माफी चाचा है जो हर जगह पे लोगों को बदनाम करने के बाद माफी मांगने पहुंच जाता है, ठीक है, वो माफी चाचा अगले दिन मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अगर आप वो रीना का हटा दें तो मैं आपका वो लाइव खत्म कर दूंगा और आपकी तारीफ में एक लाइव लगा दूंगा, ठीक है। वो मेरे साथ बैकडोर डील कर रहा है, आप उसकी ज़हनियत चेक करें। और यहां से ये पूरा पूरा असल में ना इनका स्कैम था। जब मोमिन मलिक साहब आए ना, इन्होंने कहा कोई और कहानी नहीं है, हम किस तरीके से कोई नया शोशा छोड़े ताकि लोगों का ध्यान मोमिन मलिक की तरफ ना जाए, क्योंकि एपी सिंह इनको उन्होंने करना था नंगा। एक होता है वर्ड एक्सपोज, जो मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं माजरत के साथ, उन्होंने कर दिया नंगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। ये गेस अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है, क्योंकि उसमें उन्होंने प्रूव कर दिया जो सबसे बड़ी जीत है। अब पिछले एक साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि सीमा हैदर ने हिंदू मजहब अडॉप्ट कर लिया, उसकी शादी हो गई, उसने डिवोर्स ले ली, लेकिन एज पर कोर्ट ऑर्डर, एज पर बेल पिटीशन, एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड, अदालत ने कहा कि ये प्राइमा फशाई है कि ये गुलाम हैदर की बीवी है और उसके बच्चे हैं, ठीक है। अब इन चीजों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उसने एक छोड़ा अपनी तरफ से एटम बम, और साथ इसके पीछे था स्कैम कि चलो यार ये बंदे के नाम पे पैसे इकट्ठे करते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं,
वो एक औरत आई जनाब मसीहा बन के, वो बंदा पूछे भाई तू पहले कहां सोई हुई थी इतनी देर से, ठीक है, तो इसने वहां आगे अब वही काम। जब मैंने उससे पूछा कि आपने घर का कोई प्लान कोई नक्शा कोई सोचा है कि किस तरह का घर लेकर देना है, उसने कहा वो तो मैं महीने में ले दूंगी। उसका मकसद ये था कि गुलाम हैदर कोई हामी भरे और वो उसके नाम पे वो स्कैम और फ्रॉड शुरू करे। लेकिन जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने उनको नंगा किया ना, उसी तरह से अगले दिन वो हमने उनको फारग कर दिया और लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि ये इनकी हकीकत है। आप बताएं, एक शख्स कहता है जी मैं 40-50 लाख का घर लेके देना चाहता हूँ और फॉर द टाइम भी है वो मौके के ऊपर 1 लाख भी खर्च नहीं कर सकता, तो हम कैसे समझेंगे कि वो घर लेके देना चाहता है या उसको स्कैम करना चाहता है। और वो जो लाख रुपए है आज भी लाइव सेशन ओपन पड़ा है, उसमें नीता जी भी मौजूद थी, कविता जी भी मौजूद थी, बल्कि नीता जी तो आई थी तो वो इनको देख के भाग गई, अगले दिन वो आई नहीं। तो आप ये चीज देखें कि वो आज भी सारा ओपन पड़ा हुआ है और उसमें हमने यही कहा था कि आप गुलाम हैदर से डायरेक्टली बात कर लें, उनका अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं। अगर आपकी नीयत है आपको यहाँ पे आके धमाका करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह का काम दो नंबर और फ्राडिया किस्म का शख्स करता है जो इन्होंने किया, अब ये जो हो गया वो एक्सपोज हो गया, अब इनका कहीं नहीं बिकने वाला, कहीं नहीं बिकने वाला। सर रामेश साहब असल में गुलाम हैदर ने क्लियर कट मैसेज दिया है, अब भी अगर कोई देता है लेता है या कुछ है तो वो गलत होगा। गुलाम हैदर ने क्लियर कट मना किया है कि मेरा इस चीज से कोई वास्ता नहीं है, मुझे जरूरत नहीं किसी से कोई लेने की। तो आप सबकी तरफ से ये पैगाम होना चाहिए।